आज हम बात करेंगे ईवे बिल के बारे में, मीन्स हमें किन किन केसों में ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है एज पर सीजीएसटी रूल 2017 में रूल नंबर 138 सब रूल 14 में ये डिफाइन किया हुआ है कि हमें किस किस केस में ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सब रूल है, दिस इज हैविंग ए ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ अदर सब रूल्स अंडर रूल 138। सो हमें कहां कहां पर ईवे बिल जनरेट नहीं करना है, गवर्नमेंट ने 154 लाइन आइटम्स हेडिंग वाइज डिफाइन किए हैं जिन केसों में हम लोगों को ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा ये चीजें क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू नॉन मोटराइज कन्वेंस तो हमें ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम पोर्ट या एयरपोर्ट टू कस्टम क्लियर स्टेशन, सो उस केस में ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और एनी एरिया विच इज नोटिफाइड बाई कंसर्न स्टेट अंडर देयर रूल 138 सब रूल 14D में कुछ एरिया डिफाइन कर दिया जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम मुझे विद इन दैट एरिया वी डोंट वॉन्ट जनरेट ईवे बिल, सो वो ऐसा कर सकती है बाय डिफाइनिंग दैट एरिया। सो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जो 154 लाइन आइटम्स हैं हेडिंग वाइज। मैंने इन लाइन आइटम्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करी है इन 20 मेजर लाइन आइटम्स। सो पहला लाइन आइटम है लाइव बोविंस एनिमल्स स्वाइंस एंड देयर मीट। सो ये हेडिंग नंबर 101 से 106 और 201 से 210 जो हेडिंग्स हैं इसके अंदर ये डिफाइन किया हुआ है। ये चीजें मतलब आपकी इनको आप मूवमेंट करते हैं अगर तो आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लाइव एसेस, लाइव बोविन, लाइव स्वाइन, लाइव शीप्स, लाइव पोल्ट्री, इनका मीट ऑफ बोविन, मीट ऑफ स्वाइन अदर देन फ्रोजन विच इज पुट इन कंटेनर, तो उस तरह के मीट के अलावा जो मीट आप कर रहे हो ट्रांसपोर्ट उस केस में आपको ईवे बिल करने की जरूरत नहीं है। ये सब वही है मीट्स, ये सब चीजों के इसमें आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हमने सेकंड कैटेगरी डिफाइन करी है, सेकंड कैटेगरी को कैटेगराइज करने की कोशिश करी है फिश एंड अदर सी फूड्स। ये फ्रेश हो या चिल्ड हो इन केस में भी है, ये हेडिंग नंबर 300 या 308 के अंदर जो चीजें कवर्ड है और ये हेडिंग नंबर लिखा हुआ 301 लाइव फिश, 302 फिश फ्रेश और चिल्ड एक्सक्लूडिंग फिश फ्लिट्स एंड अदर फिश मीट एंड फिश फ्लिट्स अदर फिश मीट फ्रेश और चिल्ड, 304 के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है, 306 से बैडिंग में दिया हुआ है, 307 में मोलसिस है, 308 में भी लेवन फ्रेश ही है, क्वांटिक इनविटेबल्स। सो ये इन सब केस में हम लोगों को ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी में हमने डिफाइन करने की कोशिश करी है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बर्ड एग एंड हनी, मीन्स इसमें जो हनी है अगर वो ब्रांड नेम के थ्रू नहीं बेच रहे हम लोग, मतलब वो कंटेनर पैक नहीं है, नेचुरल हनी है, सो फ्रेश मिल्क कर्ड पनीर छेना बर्ड एग नेचुरल हनी इन सब पे हम लोगों को ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ पनीर एंड हनी अगर वो एक ब्रांडेड नेम से बिक रहा है तो उसके केस में हम लोगों को ये बिल जनरेट करना पड़ेगा। हमने फोर्थ कैटेगरी डिफाइन करी है ह्यूमन हेयर बोन्स नेल्स एंड सीमेन, मीन्स ये हेडिंग 501 से 504 के बीच में जो हेडिंग्स का वर्ड है कुछ 501 नंबर ह्यूमन हेयर बोन्स हॉर्न बोन्स हॉफ मिल्स हॉर्न मिल्स और सीमेन इन केस हम लोग ये बिल जनरेट नहीं है। फिफ्थ कैटेगरी बनाई है लाइव प्लांट्स एंड ट्री की, अगर आप लाइव प्लांट और ट्री का भी मूवमेंट करते हैं तो आपको उस केस में ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। वेजिटेबल्स के केस में हम लोगों को ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है जो अंडर दिस सब हेडिंग्स कवर्ड हो रहे हैं। इन केस ऑफ फ्रूट्स हम लोगों को ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है अगर वो डिफाइन हो रहे हैं इन दिस सब हेडिंग्स, मींस कोकोनट ब्राजील नट्स बनानास डेट्स सर्किट फ्रूट ग्रेप्स मेलन एप्पल, दे आर नो नीड टू जनरेट द ईवे बिल। देन वी हैव डिफाइंड सीड्स विच इज डिफाइन द हेडिंग, सो लाइक कॉफी बीन्स ग्रीन लीव्स ऑफ टी अनप्रोसेस्ड ग्रीन लीव्स ऑफ टी जो है आपका फ्रेश जिंजर अदर देन प्रोसेस्ड फॉर्म फ्रेश टर्मरिक अदर देन प्रोसेस्ड फॉर्म, दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईवे बिल जनरेशन। दैट पान के पत्ते ब्लैक गुड मीन्स अगर आप इसको भी ट्रांसपोर्ट करते हो तो इस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। हमें दसवीं कैटेगरी डिफाइन करी ग्रेन्स लाइक वीट राइस मेज, तो इस जो सब हेडिंग 1001 से 1008 के अंदर डिफाइन किए हुए हैं उन केस में भी आपको ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ग्यारहवीं कैटेगरी में डिफाइन करी है फ्लोरन फ्लोर ऑफ ग्रेन्स मीन्स गेहूँ का आटा और किसी भी फ्लोर का जिसको आप फ्लोर के रूप में यूज करते हैं पोटैटो का फ्लोर
इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें चीज़ बात ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ जो कंटेनर पैक हो गई है या उसको एक ब्रांड नेम मिल गया है वो इस कैटेगरी से बाहर हो जाती है। सो आप नॉर्मल आटा को प्रोसेस करके भेज रहे हैं विदाउट एनी ब्रांड नेम, विदाउट एनी कंटेनर पैकिंग, सो आपको उस केस में ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 12वीं कैटेगरी डिफाइन करी है सीड्स, जो हेडिंग 12 में डिफाइन है। इन सीड्स में सोयाबीन सीड, लिनसीड, रेप, सनफ्लावर सीड, सीड फ्रूट, पॉपकॉर्न, प्लांट एंड पार्ट ऑफ प्लांट्स, लोटस बीन्स, मीन्स दिस टाइप ऑफ सीड्स विच इज डिफाइंड अंडर दिस सब हेडिंग्स 1201 टू 1214 में, इन केस में भी आपको ई वे बिल जीरो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 13 कैटेगरी हमने बनाई है ब्रेड, पापड़, पफ्ड राइस एंड वाटर, मीन्स वाटर जो अदर देन सील्ड कंटेनर और ब्रांड नेम के अलावा, मीन्स जैसे आपका वाटर है मिनरल वाटर है, प्योरीफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर है, मेडिकल क्लिनिकल वाटर है, ये सब वाटर अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको ये भी जनरेट करना पड़ेगा। बट आप नॉर्मल वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हो इन्हें टैंकर में तो आपको कोई जरूरत नहीं है ये भी जनरेट करने की। ब्रेड आप किसी तरह का ब्रेड है एक्सेप्ट पिज्ज़ा ब्रेड अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सिल्क, खादी, जूट फाइबर, वुल, रॉ सिल्क, अगर आप इन चीज़ों का भी मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 15 कैटेगरी आपकी है अगर आप स्टैम्प पेपर में जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पोस्ट आइटम्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप रुपी नोट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चेक्स को, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, चिल्ड्रन पिक्चर्स, मैप्स, स्लेट पेंसिल, चॉक स्टिक, स्लेट्स, अगर आप इन चीज़ों का भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। 16 कैटेगरी नॉन अल्कोहलिक ताड़ी, एंटिक फीड, सॉल्ट, ह्यूमन ब्लड, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डोम, ऑर्गेनिक मैन्योर, हेडिंग्स, मीन्स अगर आप इस तरह की चीज़ों को भी आप ट्रांसपोर्ट करने कर रहे हो तो ये सब भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला हुआ है गवर्नमेंट ने अंदर दी सब हेडिंग्स एज शोन इन योर स्लाइड। नेक्स्ट टू दैट 17 कैटेगरी आप काजल, काजल मीन्स अदर देन पेंसिल काजल, बैंगल, फायरवुड, नेशनल फ्लैग, क्ले लम्प्स, पैसेंजर बैगेज, अगर आप इन सब कोई मूवमेंट कर रहे हो तो आपको ई वे भी जनरेट की जरूरत नहीं है। 18 दिस हैंडलूम प्रोडक्ट, स्पेस क्राफ्ट, हियरिंग एड्स, हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स इन सब केस में भी आपको ई वे भी जनरेट की जरूरत नहीं है। हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिजिनियस है, जो आपने विद इन आर डोमेस्टिक के विद इन आर कंट्री बनाए हैं, उनको मूवमेंट करने में आपको ये जरूरत नहीं है ये जनरेट करने की। सो दिस विल बी एप्लीकेबल एज पर योर हेडिंग ऑफ योर हेडिंग विल बी एप्लीकेबल टू योर बिजनेस। 19 इज योर पूजा सामग्री अगर आप लेते हो लाइक रुद्रा, रुद्राक्ष माला, तुलसी माला, स्केट, वुडन काडू, मीन्स रोली, कलावा, ये सब चीज़ें अगर आप लेते हो या ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको इन केस में भी ई वे भेजने की जरूरत नहीं है। LPG फॉर हाउस होल्ड अगर जा रहा है आपका, या पोस्टल बैगेज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, आपका सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो अंडर PDS, तो आपको इन केस में भी आपको ई वे भेजने की जरूरत नहीं है। आखिरी कैटेगरी है जो हमने डिफाइन किया अपने हिसाब से, यूज ऑफ पर्सनल हाउस होल्ड ज्वेलरी करेंसी प्रीसी स्टोन हेडिंग, अगर आप ये प्रोडक्ट्स जो ये लाइन आइटम्स हैं, मेरी पर्सनल प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड इफेक्ट्स जो आपके पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स हैं या हाउस होल्ड में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, अगर आप उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हो फॉर आर पर्सनल यूज तो आपको ई वे भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी, गोल्ड, स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स आप या करेंसी आप मूवमेंट कर रहे हो थ्रू ये, तो आपको ई वे जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सो ये हमने एक 154 लाइन आइटम्स जो गवर्नमेंट डिफाइन किए उनको हमने 20 मेजर हेडिंग्स में डिफाइन करने की कोशिश करी है, के लिए यूजफुल रहेगा। एंड ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट tipsntricksguru.com वेयर यू विल बी एबल टू गेट ए फ्री एडवाइस फ्रॉम आर साइड एंड यू कैन लॉग योर क्वेरीज एंड एनी डाउट्स ऑन दैट पोर्टल वाया योर लॉग इन ID इन विच यू विल बी एबल टू क्रिएट टिकट एंड वी विल रिवर्ट योर टिकट्स विद इन 24 आवर्स। सो स्टे विद अस,